हेलो एवरीवन वेलकम टू एडुसीकर सो आपके फोर्थ सितंबर में जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था दोनों शिफ्ट में उसकी आंसर की आ चुकी थी देयर वाज अ ह्यूज केस कि कौन से क्वेश्चन सही हैं कौन से गलत हैं कौन से क्वेश्चन को ड्रॉप होना चाहिए सो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड विद वैलिड प्रूफ ये जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि शिफ्ट वन और शिफ्ट सेकंड में पेपर वन में कौन कौन से क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो एंड ऑल्सो चैलेंज करने के लिए दोनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ है शिफ्ट वन एंड शिफ्ट सेकेंड उसकी सेपरेट आपको पीडीएफ दे, दे देंगे जिसमें आप क्वेश्चन भी प्रोवाइडेड होगा आंसर भी प्रोवाइडेड होगा और प्रूफ्स भी प्रोवाइडेड होंगे तो आप जिस भी शिफ्ट के हैं आप जाके उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं एंड चैलेंज भी कर सकते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं जो शिफ्ट फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें चैलेंज कर सकते हैं तो जो पहला क्वेश्चन है उसकी आईडी है लास्ट में वन सिक्स फोर क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी फोर उसमें क्वेश्चन था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर जो है वो कब सेटअप करा गया था इसमें आपसे डायरेक्ट ईयर नहीं पूछा गया आपको फाइव ईयर प्लान्स दे दिए गए थे इसमें से आपको गेस्ट करके बताना था ठीक है अब आपका जो एनटी है एनटीए के हिसाब से जो ऑफिशियल आंसर की आई है प्रोविजनल आंसर की जो आई है उसके हिसाब सेकेंड जो है वो करेक्ट आंसर है बट ये करेक्ट आंसर नहीं है जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज योर ईयर प्लान फाइन तो इसके लिए प्रूफ के लिए डायरेक्ट आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की यू you नो know, वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसमें आप देखेंगे कि आई एम जो है वो 1996 में स्टैब्लिश हुआ है अब अगर आपको फाइव ईयर प्लान्स पता है तो आपको पता होगा 1992 टू तो 1997 जो है वो था एट्थ फाइव ईयर प्लान तो ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से नीति आयोग की वेबसाइट से डायरेक्ट हमने ये चीज निकाली है तो दोनों आपको जो आ, क्लेम्स हैं तो ये जो क्लेम्स हैं ये अल्टीमेटली प्रूफ कर रहे हैं कि जो आई एम बैंगलोर है वो एट फाइव ईर प्लान के वक्त uh, इस्टाब्लिश किया गया था दैट वॉज इन दयर नाइनटीन नाइनटी सिक्स तो दोनों जो प्रूफ जो आपको चैलेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे वो आपको पी डी एफ में मिल जाएंगे गवर्नमेंट वेबसाइट से तो उसको वो डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं एंड लिंक भी उसी पी डी एफ में आपको मिल जाएगी फाइन देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज जो आई डी है दैट इज वन ट्वेंटी नाइन तो क्वेश्चन था कि कंटेंट ऑफ स्वयं प्रभा चैनल 15 जो है ठीक है उसकी थीम है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन वो कौन प्रोवाइड करता है तो इसमें जो आपका ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें जो आंसर दे दे रखा रखा है वो सी सी न्यू दिल्ली ठीक है CEC, Delhi, पर जो करेक्ट आंसर है दैट शुड बी इग्नू विच इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड फाइन तो इसमें क्या होगा इसमें ऑप्शन चेंज होना चाहिए इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज इग्नू न्यू दिल्ली चैलेंज करने के लिए आप डायरेक्ट यू नो स्वयं प्रभा की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं उसमें डायरेक्टली दे रखा है वेबसाइट का मैंने लिंक भी डाल दिया है पीडीएफ में चैनल uh, नंबर 15 विच इज दिस वन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन तो इसका जो uh, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट बिलोंग्स टू इग्नू ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिफ्ट सेकंड में भी क्वेश्चन आया था वो आया था चैनल नंबर इलेवन से सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इग्नू हा एवर इसमें जो एन का करेक्ट आंसर शिफ्ट टू में था वो करेक्टली दे रखा था इग्नू पर इस वाली शिफ्ट में शिफ्ट फर्स्ट में इसका आंसर गलत दे रखा था फाइन सो यस दीज आर द टू क्वेश्चन जो आप चैलेंज कर सकते हो फॉर शिफ्ट uh, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लेट्स मूव विद विद शिफ्ट 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 ओके सो लेट्स मूव तो जो shift second थी, जो थी विदेंड्स में हुआ था उसमें जो पहला क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं दैट इज देशन आई डी टू सेवनटीन तो ये टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसमें पूछा गया था कि कौन से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना था अब जो करेक्ट आंसर एन ने दे रखा है एनटीए के हिसाब से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड ठीक है विच इज बी एंड सी यू टेस्ट एंड एच टेस्ट पर ये इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो तीनों पर इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए जिसमें ए भी हो बी भी हो और सी भी हो बिकॉज ये तीनों टेस्ट जो है वो क्योंकि ये तीनों जो टेस्ट हैं वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं ठीक है पर ये ए बी सी आपका ऑप्शन होना चाहिए था पर ये आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो इसीलिए ये क्वेश्चन को ड्रॉप्ट होना चाहिए तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप होना चाहिए एनटी ने सेकेंड आंसर दे रखा है करेक्ट पर जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए बी सी जो किसी भी ऑप्शन में है नहीं तो अल्टीमेटली इसे ड्रॉप होना चाहिए तीनों टेस्ट के लिए जो करेक्ट प्रूफ है विद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड दे दिए जाएंगे इस लिंक में आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि स्क्वायर टेस्ट साफ साफ लिखा है कि वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ऐसे ही आपको यू टेस्ट का भी मिल जाएगा कि यू टेस्ट भी नॉन पैरामेट्रिक है प्रूफ करने के लिए और एच टेस्ट भी प्रूफ करने के लिए कि ये नॉन पैरामेट्रिक है तो ये तीनों जो क्लेम्स हैं जो इसके प्रूफ्स हैं और लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उस पी में मिल जाएंगे सो so ये क्वेश्चन को ड्रॉप हो जाना चाहिए देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू जो आई है उसमें यह कहा गया था कि मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जो है ड्रामा उसके चार फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं ठीक है थीके? तो इनमें से कौन से वो चार फॉर्म्स ऑफ अफ कम्युनिकेशन है वो आइडेंटिफाई करना था तो आपके आंसर की के हिसाब से दे रखा है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन तो ये भी क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो जाना चाहिए क्योंकि ट्रैजिक कॉमेडी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा है जो आपके यू नो ऑप्शन में नहीं दे रखा था और इसका लिंक ई ज्ञान कोश की ही आ, एक पीडीएफ है उसका मैंने लिंक आपका पीडीएफ में डाल दिया है एंड ऑल्सो स्क्रीन भी एड कर दी हैं सो ये चार क्वेश्चन हैं जो आप यू नो चैलेंज कर सकते हैं दो शिफ्ट वन के दो शिफ्ट सेकेंड के इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चों को डाउट्स थे पर उनके कोई ऐसे वैलिड प्रूफ नहीं है जिससे आप उन चीजों को चैलेंज कर सकते हो ज्यादातर सही भी हैं सो ये दिस वॉज ऑल फॉर टू डेस वीडियो आप लोग जाके चैलेंज करिए वी होप कि आपका स्कोर इंक्रीज हो जो क्वेश्चन को ड्रॉप होना चाहिए वो एंटी ड्रॉप करे और जिन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए वो करेक्ट आंसर दे एंड इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है फील फ्री टू राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन वी विल गेट बैक टू यू वी विल सी दैट वेदर दैट क्वेश्चन कुड बी चैलेंज और नॉट